नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ललित मिक्स मोहिटे यूट्यूब चैनल में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों की टेंशन आज खत्म। दोस्तों, आज 31 मई 2022 को माननीय मोदी जी ने हिमाचल पहुंचकर शिमला कार्यक्रम स्थल पर किसानों को खाते में 2,000 भेजने का वादा पूरा कर दिया है। आज दोपहर 2 बजे से 2,000 की किस्त किसानों के खाते में आना शुरू कर दी गई है। किसान पीएम किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 10 करोड़ लोगों को 19.500 करोड़ रुपए भेजने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आज अपना पैसा बैंक में चेक करने के लिए आप बैंक में जा कर के या पीएम किसान पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस में देख सकते हैं। पीएम किसान 11वीं इंस्टॉलमेंट, लंबे समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11वीं किस्त इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री हिमाचल पहुँचे। वहाँ उन्होंने गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खाते में भेज दी है। इससे पहले जनवरी माह में पीएम किसान मोदी ने 10वीं किस्त किसानों के खाते में स्वयं ही भेजी थी। योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे गए हैं। लाभार्थी किसान तत्काल अपने बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। किसानों के आर्थिक लाभ दिया जाता है, जिसमें सालाना 2,000 रुपये सीधा बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 2,000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है। अगर दोस्तों आपने KYC नहीं कराई है तो इनकी किस्त अटक सकती है और इनको इस सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता है। और दोस्तों, आज किस्त भेज दी गई है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो पीएम किसान पोर्टल पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना है और सर्च बार में सर्च करना है पीएम किसान। तो पीएम किसान सर्च करते ही दोस्तों आपको इस कंडीशन से पेज मिलेगा और आपको नीचे फिर से मिलेगा पीएम किसान। आप इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा से इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करते ही आपके सामने नीचे यहाँ मिलेगा बेनिफिशरी स्टेटस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और आपका मोबाइल अगर सही नहीं दिख रहा है तो आप डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर तीर पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, यहाँ क्लिक करेंगे। तो इस कंडीशन से आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर की तरह आपको दिखेगा। तो आप यहाँ आएंगे नीचे और आपको मिलेगा यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ दो तरह से खोजने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहां दो तरह से इसको खोल सकते हैं, एक आधार नंबर और दूसरा अकाउंट नंबर। और इसमें आधार नंबर या अकाउंट नंबर फिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आधार नंबर फिल करता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहां आधार कार्ड अपना फिल कर दिया है और यहां गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करते ही आपके सामने इस कंडीशन से डाटा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ 11वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये आज पेमेंट पड़ रही है तो आपको यहाँ पर नहीं प्रोसीड पेमेंट प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, मतलब किस्त डल गई है। यहाँ पर आपका डाटा 1 या 2 दिन में यहाँ सेंड छप जाएगा, मतलब यहाँ डिटेल आपकी सेंड कर दी जाएगी कि इस तारीख को पैसा भेजा गया है। यहाँ अभी प्रोसेस इसलिए दिखाएगा दोस्तों, अभी पैसा डाला जा रहा है यहाँ प्रोसेस यहाँ लिखने के लिए, अभी साइट पे ये चीज़ डालने के लिए अभी टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।